तो गाइस कैसे आप सब। आज मैं बलू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे का फोर्थ एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि यायो शेंग वेई का हाथ पकड़कर पार्टी में आती है और सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि शेंग वेई यायो से कहता है कि हम अभी कहीं पर खाने के लिए बैठते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सुईफी की डैड ने सुईफी के लिए एक लड़की को भेजा हुआ होता है क्योंकि वो उसकी शादी करना चाहते थे। तभी आगे हम देखते हैं कि सुईफी वह उस लड़के से मिलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी जब वो लड़का सुईफी से मिलता है तब वो लड़का एक्साइटेड होता है और वो सुईफी को एक फूल देता है, लेकिन सुईफी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होती और उस फूल को फेंक देती है और उससे पूछती है कि अब आगे क्या। तभी आगे हम देखते हैं कि तब सुईफी को वह चूजिंग दिखाई देता है और वो उस लड़के से कहती है कि मुझे अभी बाथरूम जाना है, ऐसा बहाना बना कर वहाँ से निकल जाती है और जो चूजिंग है उसका पीछा कर रही होती है और उसे कहती है जब मिलती है तब ये क्या अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों तो दोबारा सा मिल गए। तभी जो चूजिंग होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे लगातार 1 मिनट 50 सेकेंड से फॉलो कर रही हो। तब सुईफी उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है समझे, और जब चूजिंग आगे चला जाता है तब वो कहती है कि रुको मेरे लिए रुको, और वो दोनों एक बलूका व्हेल के पास आकर रुक जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी जो चूजिंग होता है उससे सुईफी पूछती है कि क्या तुम्हें बलूका व्हेल पसंद है। तभी जो चूजिंग है वो कहता है कि हाँ मुझे वो पसंद है। तभी जो सुईफी होती है वो कहती है कि क्या वो क्यूट होते हैं। तभी चूजिंग कहता है कि उनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ही हाई होता है और वो 100 अलग अलग आवाज़ भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक रोते हुए बच्चे की भी वो आवाज़ निकाल सकते हैं। उनका जितना आईक्यू लेवल बेटर होता है शायद ही किसी इंसान का हो सकता है और वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और बीच में रुकता है और कहता है कि क्यों तुम हमेशा ही ऐसे देखती हो मुझे। तभी उतने में ही वहाँ पर वो लड़का आता है जो सुईफी से मिलने के लिए आया था और चूजिंग को देखकर कहता है कि जो अभी अभी यहाँ से लड़का गया वो कौन था। तभी जो सुईफी है वो कहता है कि वो मेरा पति था। इस बात पर वो जो लड़का होता है वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि क्या तुम सभी लड़कियाँ शादीशुदा ही हो। आगे हम देखते हैं कि जब यायो शेंग वेई के साथ खाना खाने के लिए बैठी हुई होती है तब वहाँ पर वो बहुत ही खोई खोई सी होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि जब शेंग वेई खाना ऑर्डर करता है तब यायो भी वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई होती है और एक वेटर जो है वो वहाँ पर खाना लेकर आता है और जब वो खाना खाने के लिए चाकू निकालता है तब उसी दौरान यायो जो है वो बहुत डर जाती है और वो वेटर से चिल्ला कर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वेटर कहता है कि मैं तो आपको खाना परोस रहा था। ऐसी डरी सहमी हुई सी यायो को देख कर शेंग वेई पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ऐसी नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि जो यायो होती है वो शेंग वेई से कहती है कि मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें आज डायरेक्टली ही सब कुछ बताती हूँ। तभी यायो कहती है कि कल मेरे घर में कुछ गुंडे आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ही डराया। तभी शेंग वेई से वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारी फैमिली मेरे साथ कर रही है। तभी ये बात सुनकर जो शेंग वेई है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और मेरे फैमिली को दोष कैसे दे सकती हो। तभी यायो जो है वो कहती है कि मैंने अक्सर टीवी सीरीज़ में ये देखा है कि जो भी हीरोइन को घर वाले अगर पसंद नहीं करते तो उसे घर में ना लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तभी जो शेंग वेई होता है वो कहता है कि क्या तुम टीवी सीरीज़ भी देखती हो। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो कहती है कि मुझे गलत मत समझना। तभी शेंग वेई गुस्से से उठता है और कहता है कि तुम्हारा जो ये बुरा माइंड है उसमें क्या क्या ख्याल है, और मैंने तुमसे 4 अच्छी बातें क्या कर ली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो तुम गलत हो समझी, और तुम्हें ये लगता है कि तुम एक अमीर घर में शादी करके आ जाओगी तो ये गलत बात है। तभी यायो उसकी बात से बहुत हर्ट होती है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि यायो जो है वो पार्टी से बाहर आती है और वो कहती है कि शेंग भाई अपने आप को समझता क्या है, और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं वो जिसको कुछ भी याद नहीं है और वो कहता है कि मेरा आईक्यू लेवल लो है। तो आगे हम देखते हैं कि जब यायो चल रही होती है उसी दौरान पीछे से उसके कार आ रही होती है और आगे से एक इंसान आ रहा होता है, वो दोनों को ही देखकर बहुत डर जाती है और बाजू में कार के
पीछे आकर छुप जाती है, लेकिन वो दोनों ही आदमी साधारण आदमी होते हैं जो कि एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। वो कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यायो को कोई आदमी पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसी दौरान वहाँ पर ग्रीन आता है और यायो को जो है बचा लेता है। लेकिन जब ग्रीन उन गुंडों से लड़ रहा होता है, उसी दौरान यायो को एक लड़का होता है वो जो है वो कार के अंदर डाल देता है और वो किडनैप कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर जो है वो शेंगवे आता है और यायो को बचा लेता है और यायो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उसी दौरान ग्रीन जो है वो ज़ख्मी होता है और उसके बाद भी वो गुंडों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन उसके हाथ से वो छूट जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं पीछे से एक कार आकर उन्हें ठोकने वाले होते हैं। वो तीनों ही बाजू में हट जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि वो कार तो चली जाती है। जब ग्रीन और यायो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उसी दौरान शेंगवेई पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तभी जो शेंगवेई है उससे ग्रीन कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं अभी मिस यायो को उनके घर छोड़कर आता हूँ। तभी शेंगवेई कहता है कि पहले तुम अपना ये ज़ख्म जो है उसे मलम पट्टी करो, मैं ही जाकर यायो को छोड़ाऊँगा। लेकिन जो यायो है वो शेंगवेई से गुस्सा होती है और वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊँगी। तभी यायो जब चल रही होती है उसी दौरान वो गिर जाती है और शेंगवेई उसे संभाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि जो शेंगवेई है वो यायो के पीछे रहकर कहता है कि जो जिसने भी तुम्हें पानी में गिराया है और जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसका हम पता लगा कर रहेंगे, मैं और ग्रीन उसे जल्द ही ढूंढेंगे। मैंने तुम्हें अभी तक बहुत ही हर्ट किया है और इरिटेट भी किया है और तुम्हें अकेला भी छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें अभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और जो कुछ भी पार्टी में हुआ इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा शेंगवेई उसे कहता है। लेकिन कार में बैठने के बावजूद यायो होती है वो बहुत ही गुस्सा होती है। शेंगवेई यायो से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो। तभी जो शेंगवेई होता है वो कहता है कि तुम मुझसे डायरेक्टली कहना चाहती हो तो कह सकती हो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। तभी यायो जो है वो गुस्से में ही शेंगवेई से कहती है कि क्या तुम इतने मीन हो सकते हो। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि तुमने पार्टी में मुझे जो कुछ भी बोला, लेकिन क्या मैं तुम्हें इतनी कंजूस लगती हूँ। मैंने तुमसे कभी भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं सारा काम खुद ही संभालती हूँ, समझे, ऐसा वो कहती है। और वो कहती है कि तुम्हें तो दूसरों के ओपिनियन की कुछ पड़ी ही नहीं है और तुम्हें कभी भी दूसरों की पड़ी ही नहीं है। और जो यायो है वो अपने ही आप में कुछ बड़बड़ करने लगती है और कहती है कि जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम पीछे पीछा करोगे, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी तो तुम अचानक से गायब हो जाओगे। तभी जो ये बात है वो लीचिन के बारे में कह रही होती है। तभी जो शेंगवेई होता है वो उससे कहता है कि हंस कर कहता है कि ये भी क्या मेरे बारे में था। तब यायो कहती है कि वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सभी लड़के एक जैसे ही तो होते हो। तभी शेंगवेई यायो से कहता है कि मैं तुमसे दिल से अभी माफ़ी मांगता हूँ। तभी यायो उसे कहती है हंसकर कि कोई बात नहीं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो शेंगवेई से पूछती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे वॉर्न करने के लिए वो आदमी नहीं भेजे होंगे। तभी शेंगवेई यायो से कहता है कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, समझे। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो जो है वो शेंगवेई से पूछती है कि ग्रीन है वो तुम्हारी इतनी बातें क्यों न मानता है और वो तुम्हारी हर एक कमांड को हाँ हाँ करता है। तभी शेंगवेई कहता है कि एक बार उसकी जो जान है वो मेरे डैड ने बचाई थी, इस वजह से वो मेरी बात को नहीं टालता। तभी जो यायो है वो शेंगवेई को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या वो तुम्हें पसंद करता है। तभी शेंगवेई जो है वो कहता है कि तुम्हें उसी से जाकर पूछ लेना चाहिए ये। तभी जो शेंगवेई उसी की तरफ देखता है। तभी यायो जो है वो हंसने लगती है और यायो शेंगवेई को चिढ़ाने लगती है। तभी उसी दौरान जो शेंगवेई है वो यायो के पास आता है और कहता है कि अब बताओ कि तुम्हें क्या जानना था। तभी यायो जो है वो पीछे जाती है। तभी शेंगवेई कहता है कि घर जाओ और आराम करो। तभी वो कार से उतरती है और पीछे देख देख कर अंदर चली जाती है और शेंगवेई भी उसे ड्रॉप करने के बाद कार में हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो अपने कमरे में बैठी हुई होती है और नीचे शॉप पर एक आदमी आया हुआ होता है। वो उसे चिल्ला कर
जो है वो बुलाता है, लेकिन जो याया होती है वो कहती है कि शॉप क्लोज हो चुका है, लेकिन वो फिर भी नीचे आती है। नीचे आती है तब देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक वैन आती है जो कि यायो को मारने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उतने में ही जो शेंगवेई है वो उसे आकर बचा लेता है। लेकिन जो वैन होती है वो फिर से उन्हें मारने के लिए आती है, तब जो यायो का गार्डन होता है उसमें ही गाड़ी चल ली जाती है, और इस सब से गार्डन बहुत ही हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन वो वैन को पकड़ने में जो है वो नाकाम हो जाते हैं और वैन वहाँ से भाग जाती है। यायो शेंगवेई को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और जब शेंगवेई कहता है कि मैं ठीक हूँ, तब वो अपने गार्डन की हालत देखती है और वो गार्डन की हालत देखकर बहुत ही हर्ट होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही ऊपर अपने रूम में जाते हैं, और जो यायो है वो शेंगवेई को मलम पट्टी लगा रही होती है। जो शेंगवेई होता है वो ग्रीन को कॉल करता है और सारी बात बता देता है, और वो कहता है कि आंटी गायन जो है वो सुबह गार्ड्स भेजेगी, तो तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो शेंगवेई होता है वो यायो से कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रुकूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ रहना ही तुम्हारे लिए सेफ है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि जब मैं जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई डेंजर हालत में हो, इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर मुड़ा ली और यहाँ पर आ गया। और वो यायो से ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो जो भी होंगे उन्हें मैंने पकड़ने के लिए कहा है, और मैं यहीं रहकर तुम्हारे पास रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम अभी सोने के लिए जाओ, ऐसा वो कहता है। और वो कहता है कि अब बहुत ही देर हो गई है, तुम सोने जाओ। तभी जो यायो है वो फ्रेश होने के लिए जाती है, और जब अपने रूम में आती है तब वो शेंगवेई को देखती है, और शेंगवेई को देख कर वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। तभी जो यायो को शेंगवेई कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और इस वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास रहकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी जो यायो है वो कहती है कि मन में कि मुझे तो कभी कभी पता नहीं चलता ये स्टूपिड होने की एक्टिंग कर रहा है या ये प्रिटेंड कर रहा है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो शेंगवेई को सोफ़े पे सोने के लिए कहती है। यायो से शेंगवेई कहता है कि क्यों ना तुम सोफ़े पे सो जाओ और मैं बेड पर। तभी यायो जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है और आगे आकर जो है वो मुँह टेढ़ा करती है और वो सोने के लिए जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो यायो होती है वो सुबह उठती है और बाहर आती है, तब वो देखती है कि शेंगवेई गार्डन को रिस्टोर करा है। तभी वो कहती है कि तुम क्या जल्दी उठ गए। तभी शेंगवेई उसे कहता है कि हाँ मैं जल्दी उठ गया था और रिस्टोर कर रहा हूँ गार्डन को। तभी यायो जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है और नीचे आती है। तभी हम आगे देखते हैं कि जो यायो है वो शेंगवेई को कहती है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए जल्दी उठे हो। तभी शेंगवेई कहता है कि हाँ। तभी आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। आगे हम देखते हैं कि शेंगवेई होता है उससे गार्डनिंग का इतना नॉलेज नहीं होता। तभी जो यायो है वो उसकी मदद करने के लिए आती है और वो दोनों ही गार्डन को बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर, यायो और शेंगवेई दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और गार्डन का काम पूरा करके बहुत ही खुश हुए होते हैं। शेंगवेई भी बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि जो यायो के डैड होते हैं वो ट्रिप से वापस आ गए होते हैं, वो दोनों कार्ट को बाहर देखते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं। तब जो ड्राइवर होता है वो तो भाग ही जाता है। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो के डैड जो है वो बहुत ही सरप्राइज होकर अंदर आ जाते हैं और बहुत ही डरे डरे से हुए होते हैं और कहते हैं अंदर आकर चलो जान छुटी। आगे हम देखते हैं कि जो यायो है और शेंगवेई एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, उसी दौरान यायो शेंगवेई से कहती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है और वो है मिट्टी जो कि तुम्हारे गाल पर लगी है। तभी जो शेंगवेई है वो उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो यायो है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और वो मिटाने की कोशिश करती है। तभी शेंगवेई जो है वो उसके बहुत ही पास आ चुका होता है, और तभी ये सब दूर खड़े रहकर जो है वो गुंडा और जो आंटी गायन है वो देख रहे होते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही माय बलू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन एपिसोड्स जल्द ही डालूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।